कसम खुदा हमारी मर्जी है, अब तैयार था तो हिम्मत तो करनी थी। हम ना बदलेंगे, ना बदले ना आरोप लगाएं, कोई दबाव ही नहीं है तो आरोप कैसा। बहुत चाहत थी हिंदू धर्म को मानने की और करने की, तब तो हम तब से ये दर्शन मिले। जब से ये मिले तो उसे खुश हो? बहुत ज्यादा खुश। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में संजना और अरशद के अंतरधार्मिक प्रेम विवाह के बाद अब आसमीन और जयवीर की शादी पर पखेड़ा मच गया है। खुदा का हल्फ लेकर आसमीन ने अपना धर्म त्याग दिया, आरती बनकर जयवीर के साथ साथ फेरे ले लिए। उधर आसमीन के पिता की शिकायत पर शेरगढ़ पुलिस ने जयवीर समेत तीन के खिलाफ उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आसमीन को बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस तरह संजना के बाद बरेली में आसमीन के अंतरधार्मिक प्रेम विवाह पर हंगामा मचने लगा है। बरेली थाना क्षेत्र के मानपुर गांव के अतीक अहमद की बेटी आसमीन ने पिछले दिनों अगस्त्य मुनि आश्रम में जयवीर के साथ प्रेम विवाह किया था। पंडित के शंखदार ने धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कराने के बाद उनका विवाह संपन्न कराया। विवाह के बाद आसमीन से आरती बनी। आसमीन ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, पहले आसमीन को सुनिए। आपका नाम क्या है? आरती। अब आपका नाम, अपना आरती रख लिया है जी। पहले क्या नाम था? आसमीन। आसमीन हाँ। आपके वालिद साहब का नाम? अतीक अहमद। और आपकी अम्मी का? फूलवानो। फूलवानो कहाँ के रहने वाले हैं? मानपुर। मानपुर थाना? सीसगढ़। जिला? बरेली। बरेली। आप किसके साथ आई हैं? जयवीर जी के। जयवीर के साथ आई हैं। आप जयवीर को कब से जानती हैं? एक साल से। एक साल से जानती हैं जयवीर को? अच्छी तरह से जानती हैं? खूब खूब अच्छी तरह से मालूम है। अच्छा, तो आपका प्यार कब से शुरू हुआ इनसे? एक साल में कुछ दिन कम है, एक आध महीना, वरना एक साल से ही जान पहचान है, तभी से ही हो गया है। अच्छा, तो प्यार की शुरुआत कैसे हुई, आपने की या इन्होंने की? हमने। कैसे? मैंने जो घर पे आते रहते थे तो एक दिन फोन आया इनका, तब मैंने बात की, तभी मैंने इनसे खुद ही कहा। क्या कहा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे? अच्छा, आपने तो खुद कहा? हाँ मैंने कहा। अच्छा, आपने ऐसी लड़कियाँ इतनी जल्दी कहती नहीं है, आपने बड़ा हिम्मत की। अब प्यार था तो हिम्मत तो करनी थी इतनी। अच्छा, प्यार होने की कोई वजह रही होगी, जैसे घर परिवार में आपको प्यार मिलता था आपके घर वालों से? घर वाले प्यार जानते तो ऐसा होता ही नहीं, घर वाले प्यार बयान ना करते हैं। अच्छा, तो आपको आपके यहाँ आप प्रताड़ित भी करते थे, परेशान करते थे? अरे और मारते जीना दुश्वार था। जीना दुश्वार था और? अच्छा, आपकी कोई इज्जत होती थी, आपके घर वाले करते थे आपकी इज्जत नहीं करते थे? कोई इज्जत ना थी। कोई इज्जत नहीं थी ना। अच्छा, जैसे अभी एक लड़की आई थी हिनावी नाम की, पूर्णपुर पीलीभीत की, वो आप ही की तरह आई और आकर के उसने अपनी मर्जी से लड़का जो प्रेम शंकर गुप्ता था उसके साथ शादी वगैरह की, मगर उसके बाद में वो अपने घर पहुंच गई लड़के के साथ में, लड़के को लेकर, और लड़के पर उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे जो है शादी की है, वहाँ पंडित जी के पास ले गए और इन लोगों ने मेरे गले पर छुरी रख दी और जबरन मुझे जो है वो हिंदू बना करके शादी की है। आप तो नहीं करोगे ऐसा? ऐसा करते तो फिर ऐसा पहले नहीं, नहीं वो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, बाद में आप जाओ उसके बाद आरोप लगाने लगो। ना ना, हम ना बदलेंगे, ना बदले ना आरोप लगाए, कोई दबाव ही नहीं है तो आरोप काहे का। अच्छा, कोई जोर दबाव नहीं है हम पे, हम अपनी मर्जी। अच्छा, आपकी आस्था हिंदू धर्म में है? जी हाँ। कब से मानती है हिंदू धर्म? 4-5 साल से। अच्छा, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए आपको हिंदू धर्म को मानते हुए? हाँ। तो आपके घर वाले तो आपको बहुत परेशान करते होंगे कि आप हिंदू धर्म मानते हैं? बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, तो क्या कभी मंदिर वगैरह भी जाती थी क्या? मंदिर गया तो नहीं है, लेकिन मानते बहुत हैं। अच्छा, किसको मानती हैं, किस देवी देवता को मानती हैं? मैं तो महादेव को और श्री हरि राम को, कृष्ण जी को, सबको मानती हूँ इनको। अच्छा, तो पूजा पाठ भी करती हैं, कोई व्रत वगैरह भी कभी रखा आपने? घर पे रहते तो कहाँ से करते ये सब, नहीं करने को मिलता था ना।
तो इसीलिए आप जब हिंदू धर्म में आपकी आस्था थी, हिंदू धर्म को मानती थी, तो आपने अपना जीवन साथी भी हिंदू चुना। जी हाँ, यही वजह है ना। जी अच्छा, और आपने चाहत थी। बहुत चाहत थी हिंदू धर्म को मानने की और करने की हिंदू। अच्छा, फिर बाद में किसी प्रकार का कोई आरोप तो नहीं लगाओगी हम पर, पंडित जी पर या लड़के पर या किसी और पर, कैसा भी उन्होंने कोई आरोप ना, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है आपके साथ? ना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देख लो खुद, लगाना है ना कोई है हम पे, हम ना लगाएंगे। अपनी मर्जी से कर रही हैं? अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जो कर रहे हैं तो पक्का पक्का हमारी मर्जी है। वाह खुदा, कसम खुदा हमारी मर्जी है। कसम खुदा की गा रही हो। चलो ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कर रही हैं। जी हाँ, हम भी प्रार्थना करेंगे कि आप जो हैं सदैव सुखी रहें और ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप खुश रहें सदैव। खुश तो हम तब से ही, जब से मिले, जब से ये मिले तब से खुश हो? बहुत ज़्यादा खुश। अच्छा अच्छा, हमारा पता किसने बताया आप लोगों को हमारे पास आने के लिए? तुमने बहुत लोगों की शादियाँ कराई हैं, तो जहाँ देखो तुम्हारी खबर सुनते ही थे। अच्छा, पता चल ही गया। अच्छा अच्छा, आप लोग अभी कितने तारीख को घर से निकले हैं अपने दोनों लोग? अपने घर से हम तो 10 तारीख में आए थे। 10 तारीख में आए थे, तो फिर कहाँ कहाँ गए फिर आप लोग इस बीच? कहीं पर ना गए, बस किराए पर रहने लगे, यहाँ किराए पर लेगा कमरा। अच्छा, नहीं वो प्रयागराज से जैसे बनवा के लाए हैं कागज़ वगैरह? ये बरेली में, बरेली इलाहाबाद। अच्छा हाँ, इलाहाबाद को तो प्रयागराज कहते हैं। हाँ, इलाहाबाद गए थे हम। तो वहाँ आपने कागज़ वगैरह वहाँ बने, आपके फ़ोटो वगैरह खींचे वहाँ पर, आधार कार्ड लगा? हाँ, वहाँ पर फ़ोटो खींचे थे, आधार कार्ड लगा था, साइन हुए थे कागजों पर। आसमीन के पिता ने 4 सितंबर को शिवगढ़ थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा कि उनकी बेटी आसमीन को बरगबा गांव के जयवीर, गुलड़िया गांव की अनीता और तेजपाल बहला फुसला कर ले गए हैं। आसमीन की बहन की सगाई हो रखी है, पिता उसकी शादी के लिए दहेज खरीद रहे थे। आरोप है कि आसमीन अपनी बहन के दहेज के लिए रखे 4 लाख रुपए का सामान और कुछ नकदी भी लेकर फरार हो गई। पिता की शिकायत पर पुलिस ने जयवीर, अनीता और तेजपाल के विरुद्ध FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसमीन को बरामद कर लिया और उसके बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। इस मामले में आसमीन के पिता ने दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन जमात रजाए मुस्तफा की मदद मांगी। जमात के PRO मोइन खान ने इस संबंध में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात की और मामले में जाँच कर कार्रवाई की मांग उठाई है। अब आसमीन के पुलिस में बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट में 164 के बयान दर्ज होने हैं। इस तरह बरेली में ये दूसरा अंतरधार्मिक मामला है जो अब चर्चा में आ गया है। इससे पहले भोजीपुरा के एक गांव की संजना ने अपने प्रेमी अर्शद के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। संजना अपना धर्म बदलकर शनाया बन गई। इस केस पर हंगामा मच गया। संजना ने अदालत में भी अपने प्रेमी अर्शद के पक्ष में बयान दिए और उसी के साथ रहने की बात कही है। उधर संजना के प्रेमी अर्शद पर संजना के अपहरण के 2 मुकदमे दर्ज हो गए हैं और पुलिस इस मामले की जांच में अभी भी जुटी हुई है। इसी बीच आसमीन और जयवीर के अंतरधार्मिक प्रेम विवाह में एक नया ट्विस्ट आ गया है और पुलिस ने उनके पिता की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है।